हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर जीके की जो हमने सीरीज चला रखी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उसका पार्ट 5 में लेके आ चुकी हूँ। और इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी इससे कर लिए हैं अपन ने, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना। और जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहना है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है ना, तो उस क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करना, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो वो क्वेश्चन आप गलत ना करो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये लीजिए, स्क्रीन पे आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, या फिर ऑप्शन बी इनपुट को स्वीकार करना, या फिर ऑप्शन सी डाटा को प्रोसेस करना, या फिर टेक्स्ट को स्कैन करना। तो देखते के साथ आंसर आना चाहिए, क्योंकि देखो कंप्यूटर के ये सारे तो काम है, डाटा को स्वीकार करना, डाटा को स्वीकार भी करता है और प्रोसेस भी करता है, ये भी सही है। इनपुट को स्वीकार करता है, ये भी काम करता है। डाटा को प्रोसेस करता है, ये भी करता है, लेकिन डाटा को स्कैन नहीं करता है। तो यहाँ पे यही पूछा था हमसे कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, किसी भारी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। तो ये जो सूचना है, ये इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? जैसे मान लो देखो, ये अपना एक कंप्यूटर है, ठीक है? क्या है? ये अपना एक कंप्यूटर है। तो फ्रेंड्स, ये जो कंप्यूटर है ना अपना, इसे बोला है कि भारी स्रोत से तो आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, दुपुट, या फिर रिपोर्ट। तो इसे कहा जाता है इनपुट कहा जाता है। बाहर से जैसे अपन कंप्यूटर है उसमें कोई भी डाटा एंटर करते हैं तो इनपुट ही तो कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा अव्यय कागज पर लिखे अल्फा न्यूमेरिक अक्षर जो होते हैं उसका पता लगाता है। ऑप्शन ए कह रहा है OCR, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है MCR, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है BCR, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है प्लॉटर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कागज पर लिखे जो अल्फा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं ना, इसका पता कौन लगाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है OCR लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। मतलब कि उस इक्विपमेंट का, उस फंक्शन का नाम बताओ, वो कौन सी डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन है जॉयस्टिक, माउस, मॉडेम, या फिर प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मॉडेम की बात करें तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की भांति ये वर्क करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। जॉयस्टिक और माउस की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है? और प्रिंटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है। अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी है। फ्रेंड्स, दो सर्कल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट सर्कल है इनपुट वाला, तो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट से इधर की साइड देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पार्ट से इधर की साइड जो भी चीजें आ रही है वो होती है इनपुट डिवाइस है। और यहाँ पे ठीक इसी तरह से इस वाले दूसरे सर्कल में ये जो इधर की साइड जो भी वस्तु आ रही है वो रही है, वो है आउटपुट डिवाइस। लेकिन इन दोनों के बीच में ये जो कॉमन एरिया है ना, इस कॉमन एरिया में जो भी वस्तुएं आ रही हैं वो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस। तो देखो, इनपुट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल पेन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, ये सारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हेडफोन, हेडसेट, प्रिंटर्स यानी कि लेजर प्रिंटर हो, चाहे कोई सा भी प्रिंटर हो, स्क्रीन, प्लॉटर, फिर इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान दो, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की बात करें
तो वो है डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इसी तरह से जो पेन ड्राइव है ना, ये देखो ये पेन ड्राइव दिख रही है, तो ये पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस है। सीधी सी बात है, इसी तरह से सीडी और डीवीडी जो है वो भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है। वेबकैम की बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। फैक्स की हम बात करें तो ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इसी तरह से मॉडेम जो है वो भी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड कॉपी का मतलब बताओ। हार्ड कॉपी का मतलब तो ये तो पता होगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी चीज है। हार्ड कॉपी क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके कोई नोट्स है, आपने नोट्स बनाए, जैसे वर्ड में बनाए, उसके बाद उनको पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, जो भी है, तो वो तो सॉफ्ट कॉपी हो गई उनकी। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उनका प्रिंट आउट निकलवा लिया, तो वो क्या हो गई, हार्ड कॉपी हो गई। प्रिंट आउट निकलवा लिया तो वो क्या है, प्रिंट आउट जो है यानी कि हार्ड कॉपी जो है वो एक तरह का क्या है, आउट प्रिंटर पर आउटपुट है। ठीक है ना, आउटपुट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए जिस डिवाइस का यूज लेते हैं वो डिवाइस कौन सी है? डिजिटल रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं उसको प्ले करने के लिए हम साउंड कार्ड जो होता है ना उसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, साउंड कार्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन या फिर टच स्क्रीन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्कैनर, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैनर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैनर। जो है वो क्या है, इनपुट इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, टच स्क्रीन, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ओके तो यहाँ पे यही बोला था कि कौन सी निर्गम युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कौन कौन सी तो इनपुट डिवाइस है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस है। तो जैसा कि देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ स्कैनर, तो ये रहा स्कैनर। स्कैनर के बारे में मैंने आपको बताया, स्कैनर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रिंटर और जो टच स्क्रीन, फ्लैट स्क्रीन, इन सभी की बात करें तो ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइस। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना स्क्रीन, तो स्क्रीन चाहे टच स्क्रीन हो चाहे फ्लैट स्क्रीन हो, सभी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है एक जो पिक्सल है ना, पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है, तो पिक्सल की बात करें तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है। जो पिक्चर होती है उसका सबसे छोटा जो रेजोल्यूशन भाग होता है उसको हम पिक्सल बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके संदर्भ में आपको बताना है, ओसीआर का अर्थ आपको बताना है। एक तरह से ओसीआर की फुल फॉर्म पूछी गई है। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल, ओ से हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है। तो देखो इनपुट डिवाइस का मैंने आपको बताया, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे के सारे इनपुट डिवाइस है। अब देखो यहाँ पे चेक करो, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल पेन इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है और बारकोड रीडर जो है वो भी इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हेडफोन हो गया, हेडसेट हो गया, प्रिंटर्स हो गए, स्क्रीन हो गई, प्लॉटर हो गए, स्पीकर्स हो गए, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों की भांति कौन से काम करती है, कौन सी डिवाइस, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन और डीवीडी, वेबकैम, फैक्स, मॉडेम, ये सारे क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, इनके बारे में बताओ, ये किसका एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, इन तीनों की बात करें तो ये तीनों इनपुट डिवाइस है, बट इनपुट डिवाइस में भी कौन सी है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है, किसका
किसका एग्जाम्पल है? टच पैड के बारे में बोला है। टच पैड की बात करें तो टच पैड जो है ना, ये एक क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसीआर की फुल फॉर्म जो कि पिछले एक क्वेश्चन में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर, आउट माउस, या फिर सीपीयू, या फिर मॉनिटर। तो इनमें से बोला है इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, जो माउस है ना, माउस ये इनपुट डिवाइस है। बाकी हम बात करें जैसे प्रिंटर की, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू भी आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर की बात करें तो ये भी क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ना, ये सारे आप चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, आपको बताना है कीबोर्ड जो है इसका प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड का तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर होता है उसमें शब्द और नंबर डालने के लिए यूज किया जाता है। यानी कंप्यूटर को कमांड देने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर जैसे अपन को कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट या फिर कोई नंबर एंटर करने हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। कीबोर्ड जो होता है उसमें कितनी कीज होती हैं? कीबोर्ड में आप गिन लेना चाहो तो 104 कीज होती है, जिसमें से 12 तो फंक्शन की होती है। नेक्स्ट, कीबोर्ड का प्रकार, ऑप्शन से सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कीबोर्ड जो है इसका प्रकार क्या है? कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड भी और पैरेलल कीबोर्ड भी, ये दोनों ही क्या है? कीबोर्ड के टाइप हैं, प्रकार हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन पूछा गया कीबोर्ड जो है उसमें वर्णमालाओं की गिनती, यानी वर्णमालाओं की जो कीज होती है ना वो कितनी होती है, यानी कि हाउ मेनी कीज आर देयर इन कीबोर्ड फॉर अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के लिए। तो अल्फाबेट्स के लिए कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। और 12 कीज जो है वो फंक्शन की होती है, तो मैंने फंक्शन की लिख दिया। और इसके अलावा टोटल कीज जो है वो, टोटल कीज कितनी होती है? टोटल कीज कीबोर्ड में होती है 104 होती है। ठीक है, 104। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे देखिएगा कीबोर्ड में, जैसा कि अपन ने बताया F1 से लेकर के F12, यानी टोटल 12 कीज तो कौन सी होगी? फंक्शन की, जो कि कीबोर्ड में आप इस, ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, इसमें आप देखते हो। ठीक है, उसके बाद ये एस्केप वाली की हो गई, और ये वाली जो है ये बैक स्पेस वाली की हो गई। फिर ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जिसमें कितनी की है? टोटल 6 की है। ये कौन सी? नेविगेशन और एडिटिंग की हो गई। उसके बाद ये नीचे वाला जो ये वाला एरिया है, इसमें कितनी की है? टोटल 4 की है। 4 की कौन सी हो गई? डायरेक्शनल कीज हो गई। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसमें कौन सी है? न्यूमेरिक की होती है। न्यूमेरिक यानी कि जैसे 0 से लेकर के 9 तक, इस तरह से न्यूमेरिक की होती है। और फिर उसके बाद ये देखो, ये वाली जो स्टार्टिंग की, ये कंट्रोल की होती है, ये विंडो की होती है, ये ऑल्ट की होती है। उसके बाद देखो ऑल्ट की एक इधर भी होती है, विंडो की इधर की साइड, दोनों साइड होती है। ठीक है, और कंट्रोल की ये यहाँ पे कंट्रोल की होती है, और ये सबसे बड़ी वाली जो होती है ना, ये स्पेस की होती है। ओके, तो ये पूरा कीबोर्ड के बारे में बता दिया मैंने। यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी की कर्सर के बाई ओर के अक्षर को डिलीट करती है। तो कर्सर का जो बाई ओर का अक्षर अगर आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको बैक स्पेस क्लिक करना पड़ता है, बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस, ये रहा बैक स्पेस कर्सर के बाई ओर को डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट ये कौन सी की है? तो फ्रेंड्स कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट की बात करें तो इनको हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। कौन सी की कहते हैं? मॉडिफायर कीज। फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, ये देखो ये वाली जो कीज है ना, ऑल्ट की, कंट्रोल की, इनके बारे में पूछा था कि कौन सी की कहते हैं इनको, तो इनको मैंने बताई दिया आपको। इनको देखो पिछला क्वेश्चन आप देखिएगा, यही पूछा था कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, तो इनको मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है। कंप्यूटर माउस की बात हो रही है, तो
तो कंप्यूटर माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। कौन सी है? इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको बताया है, टच स्क्रीन हो गया, कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, वेबकैम हो गया, ट्रैक बॉल होगी, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी की सारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। आपसे यहाँ बताना है इनमें से कि इनमें से कौन से, जो जायरोस्कोप है ना, जायरोस्कोप इसके सिद्धांत पर जो काम करता है, इसका सिद्धांत का प्रयोग जो है वो किसमें नहीं किया जाता है? कंप्यूटर माउस में, स्मार्टफोन में, इंकजेट प्रिंटर में, या फिर रेसिंग कार में? तो यहाँ पे जायरोस्कोप सिद्धांत जो है इसका प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता, बाकी माउस, स्मार्टफोन और रेसिंग कार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का, जो माउस है उसका मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो है ना, उसमें माउंट, जो माउस है उसके मूवमेंट का पता लगाने के लिए जो लेजर का उपयोग किया जाता है वो है ऑप्टिकल माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कंप्यूटर स्क्रीन जो है उस पर दिखाई देने वाला जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसको क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कॉल्ड, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको एक ब्लिंकिंग सिंबल दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे अपन लिख रहे हैं तो ये भी एक तरह का, इसी तरह से जैसे एरो का चिन्ह दिखाई देता है ना, ये एरो का, तो वो क्या हो? कर्सर ही होता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट जो होते हैं उसको डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो प्रिंटेड टेक्स्ट हो गए, उनको मतलब कि डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में सेट करता है स्कैनर। कौन करता है? स्कैनर करता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लो ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 6 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।